जी बेटा बोलिए बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं, बस आवाज चेक कर रहा था। अब आवाज आ रही है आपको? गुड सर। बच्चों देखिए, हमारा कल का टॉपिक हुआ था हमारा सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनते हैं, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने हैं वो थे सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा वर्ड कहाँ से आया है, बेसिकली ये एक्सिस ओवरलैप अगर हुआ है कि ये एक ऑर्बिटल आया और दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसे आ गया तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहा था। एक एटम का पी ऑर्बिटल है, दूसरे का भी पी है और सेम एक्सिस में आएंगे। अगर पी एक्स है तो पी एक्स ही होगा, पी वाई है तो पी वाई होगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड बच्चों कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैप से बना? अभी पी पी ओवरलैप, ये कहलाता है पी पी ओवरलैप से बॉन्ड बना सिग्मा। बेटा ये वाला बॉन्ड यानी एक पी ऑर्बिटल है, ये बच्चे एस ऑर्बिटल है। बेटा क्लियर होना चाहिए, यहाँ ये जब ओवरलैप हुए और ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं ये इसके न्यूक्लियर पॉइंट या सेंटर पॉइंट थे कि इसका सेंटर पॉइंट ये है और ये भी एक लाइन में आ गए तो ये भी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड एक एटम का एस है, एक एटम का पी है, एस और पी ओवरलैप से बना है ये वाला सिग्मा बॉन्ड। और ऑब्वियसली एक एटम का एस और दूसरे एटम का एस हो तो भी ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये एस एस ओवरलैप का सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तीन ओवरलैप से बन सकते थे, जैसे अभी आपने देखा एक पी और पी ओवरलैप करे, एक एक एटम का पी और एक का एस करे और दूसरा दोनों एटम के एस ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड बेटा कब बनते हैं? जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। यहां सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका है, ये बेसिकली मान लेते हैं जेड एक्सिस से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ये पी जेड था और ये भी पी जेड था तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा आ चुका है। सिग्मा आने के बाद अगर इस ऑर्बिटल ये प्लेन के ऊपर है ये नीचे, इन्होंने ओवरलैप किया तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। और सबसे मेन पॉइंट हमने कल पढ़ा था, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनता। जो हाइब्रिड आज पढ़ेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई नहीं बनाते, मतलब पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो किस ऑर्बिटल से बनेगा बेटा? प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनेगा। फिलहाल सिग्मा और पाई तो गिन लेते हो ना, इतना तो जो कल प्रेजेंट थे वो जानते हैं कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई। दो एटम के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी बॉन्ड पाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बच्चों थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आज बात करते हैं लिटिल बिट। बेटा कल हमने ये पढ़ा था कि ये सल्फर की वैलेंसी 2, 4, 6 हो सकती है, याद आ रहा? 2, 4, 6। क्लोरीन की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 हो सकती है, ध्यान आ गया है? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है और ये SO3 का स्ट्रक्चर होता है, इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ये SO3 का स्ट्रक्चर है बेटा, SO3, ये इसकी शेप मैंने बनाई या ये स्ट्रक्चर है बेटा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई? बहुत ही सरल है, बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? रुक जाओ, एक को बोलने, बोलो बेटा। कौन सी गिनती कर रहे हो, कोई रिसर्च थोड़ी करने के लिए कह दिया, इससे सरल क्वेश्चन होगा भी नहीं। बोलो बेटा। ऑब्वियसली इसमें ये तीन सिग्मा बॉन्ड है और तीन ही पाई बॉन्ड है, इसका क्या सोच रहे हो? दो बॉन्ड में पहला सिग्मा होता दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा, तो इसमें तीन सिग्मा है तीन पाई, यानी इसमें टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 6। क्लियर है, 6 बॉन्ड बनाए, यानी 6 सल्फर के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो 6 बॉन्ड बने। भाई सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, ये सल्फर का एटॉमिक नंबर है, ये वाला पॉइंट कोशिश करिए आपको समझ में आ जाए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से 286 कॉन्फ़िगरेशन है और 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और ये रहा 3s2, दो इलेक्ट्रॉन, ये रहे 3p4। क्या सल्फर के आपको 6 अनपेयर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सल्फर के अभी कितने अनपेयर दिख रहे हैं?
दो, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आएगा होता है, ठीक है। तो सल्फर के पास अभी दो ही अनपेयर है, लेकिन सल्फर को तो छो अलग चाहिए, छह अनपेयर होने चाहिए। बच्चे कल का अगर थोड़ा सा भी घर जाके रिवाइज किया है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ सल्फर से ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कूद के यहाँ आ गया, अब सल्फर से छह अनपेयर हो गए। बोलो बच्चों क्लियर है, सल्फर के छह अनपेयर क्या है, और इन छो को बॉन्ड बनाना है, इन छो को बॉन्ड, छह में से तीन को क्या बनाना है बेटा, सिग्मा, और बाकी तीन को क्या बनाना है, पाई। यहां तक समझ में आया, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां सल्फर में हमने कहा बेटा शुरुआत में, सर आपका माइक म्यूट हो गया है, और क्लियर करेंगे। ये एक एस ऑर्बिटल था, ये पी था, ये पी था, और बेटा सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइब्रिडाइज से, और पाई किससे बनते हैं, प्योर से। तो ये एक एस है और दो पी है, यानी यहाँ पे वर्ड बोला जाएगा sp2, वो अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है sp2। फिलहाल यहाँ सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं वो ये है, इन तीन ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया, किन तीन ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है, एक पी ऑर्बिटल है और एक डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल, ठीक। क्या आपको मालूम है, कल वाला लेक्चर अगर रिवाइज किया हो घर जाके, कि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है और ऑक्सीजन में डी नहीं होता, कल हमने पढ़ा था सेकेंड पीरियड में डी नहीं होता, तो ऑक्सीजन में तो बेटा डी नहीं होता, ठीक है। अब ऑक्सीजन में डी नहीं होता यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें है, पी में, तो ऑक्सीजन ने ये जो पाई बॉन्ड बनाया है उसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल लगा है, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल लगा है, पी। सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल लगा है पाई बॉन्ड में, सल्फर का एक पाई बॉन्ड में लगा है पी ऑर्बिटल और बाकी दो पाई बॉन्ड में सल्फर का लगा है डी ऑर्बिटल। क्या आपको ये भाषा समझ में आ रही है, मैं इसे अलग से लिखता हूं फिर आपसे पूछता हूं, क्या यहां सल्फर दो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो सल्फर के डी में पाई है और ऑक्सीजन के पी में पाई है, और एक पाई बॉन्ड इसमें ऐसा बन रहा है जो पी पाई है, मतलब सल्फर का भी पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल है। क्या ये जो समरी लिखी है आपको समझ में आ रही है, ये हमने क्या लिखा है, समझ में आया नहीं आया बेटा, चलिए फिर से बता रहे हैं। अब यहां पे एक बार फिर से देखिए, फोकस इस चीज पे करिए, ठीक है, इस चीज पे ध्यान से देख लिया क्या है, ठीक। अब मैं इसको ना दोबारा लिखने जा रहा हूं, होपफुली आपको यहां तक दिख रहा है सब बच्चों को। ये रहा सल्फर, सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, छह इलेक्ट्रॉन कहां कहां है ये बताओ। ये पहला इलेक्ट्रॉन एस में है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो पी, ये भी पी, ये भी पी, ये डी, ये डी। बोलो यहां तक अब क्लियर हुआ कैसे बने। तो सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन एस में था, तीन इलेक्ट्रॉन पी में थे, दो डी में थे, याद आ गया। पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनने हैं, तो सल्फर ने इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस एक पी से सिग्मा बनाया, ठीक है, और एक पी और ये सिग्मा, ये तीन इसके सिग्मा बन गए, और अब सल्फर क्या बनाएगा, पाई। तो ये वाला डी ऑर्बिटल से पाई बनाएगा, इस वाले डी ऑर्बिटल से पाई बनाएगा और इस वाले पी ऑर्बिटल से पाई बनाएगा। तो सल्फर पाई किससे बना रहा है, पाई किससे बना रहा है, डी से, डी से, और एक पाई किससे बनवा रहा है, पी। क्लियर हुआ अब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से देखो, अब इस चीज को देखो, अब आपको शायद समझ में आ जाए। यहां पे ये अनपेयर है, इनको पेयर होके स्टेबल होना है, ये अनपेयर है, एक एक है, इन्हें दो होके स्टेबल होना है, तो इन्होंने ऑक्सीजन से ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाए, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां एक दिया, यहां दिया, यहां दिया, ऐसे करके छह इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं अगर पूछूं सिग्मा कितने, पाई कितने, तो आपने कहा ये तीन क्या थे, सिग्मा, शुरुआत में सिग्मा बने थे, उसके बाद तीन क्या बने हैं, पाई। तो ये तीन सल्फर ने क्या बनाए, सिग्मा, और ये तीन क्या बनाए, पाई। तो
सल्फर के जो पाई बॉन्ड बने वो किस किस ओवरलैप से बने। सल्फर का एक पाई बॉन्ड बना, सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी। ऑक्सीजन का हमेशा पी ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करता है, तो एक ऑर्बिटल बना पीपी ओवरलैपिंग से पाई। ये वाला ऑर्बिटल बना सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी, और ये वाला ओवरलैप सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी। तो कितने, या SO3 में जो सल्फर से तीन पाई बॉन्ड हैं, क्या तीनों पाई बॉन्ड एक जैसे हैं? तो इसका आंसर है SO3 में जो तीन पाई बॉन्ड हैं, तीनों एक जैसे नहीं होते, तीनों की एनर्जी अलग होती है। एक पाई बॉन्ड बनता है सल्फर का पी ऑक्सीजन के पी से, और बाकी के दो पाई बॉन्ड बनते हैं सल्फर का डी और ऑक्सीजन के पी। थोड़ा बहुत समझ में आया, ऑब्वियसली ये हायर लेवल है, इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप, मुझे पता है, लेकिन ऐसा बहुत हायर लेवल भी नहीं है कि आप ये जाके सोचो कि ये ट्वेल्थ या कॉम्पिटिशन या ऐसा कुछ है। अगर आपका थोड़ा सा भी बेस क्लियर है तो अब आप इसको बना के सोच के समझ के कर, ठीक। और ये भी मेरी गारंटी है, विश्वास ना हो तो अभी बाहर जाके किसी ट्वेल्थ के बच्चे से, किसी ट्वेल्थ के बच्चे टॉपर से भी ना जाके यही क्वेश्चन दाग देना। कोई बड़ा भाई बहन तो हो गई ना, IIT JEE की तैयारी कर रहा हो, कुछ तो होगा, उससे पूछ लेना SO3 में तेरा तीन पाई बॉन्ड है, तीनों की बॉन्ड एनर्जी बराबर है या अलग अलग है। 99% आई एम श्योर आपको गलत आंसर मिलेगा, 99%, 100% कुछ नहीं होता, 99% आपको आदमी यही कहता मिलेगा तीन पाई बॉन्ड है तीनों एक जैसे। no. ऐसे तीनों एक जैसे बोलो, क्लियर है, एनी डाउट बोलो बच्चों, ठीक है। एक बारी मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर मैं आपसे कहूंगा कॉपी में लिखना, अभी नहीं, अभी मत लिखो, मैं आपको खुद टाइम दूंगा। और मैं आपसे जब कह ही रहा हूं कि इसका लेवल थोड़ा हाई है तो इसको टाइम देके समझिए, ठीक है बेटा, बात नहीं करो प्लीज। ये दोबारा इसी एग्जाम्पल को समझा रहा हूं और अब होपफुली थोड़ा ज्यादा आपके दिमाग में आए शायद। ये है SO3, SO3 में ये तीन ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हैं, यहां पे पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई है, तो इस SO3 में 3 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। यहां तक समझ में आया? अब अगला पॉइंट, सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 3s2 3p4, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में सल्फर के पास मात्र 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये। लेकिन सल्फर ने अगर 6 बॉन्ड बनाए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ओवरलैप किए हैं, यानी बॉन्डिंग में टेक पार्ट किए हैं, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने चाहिए। तो हमने कहा ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी अनपेयर कराएंगे, जैसे ही इसे अनपेयर कराए तो ये 3 और एक आगे जो नया पहुंचा, बच्चों 4 अनपेयर हो गए। और बेटा जब इसे अनपेयर कराया तो ये वाला भी अनपेयर हो गया, टोटल 6 अनपेयर हो गए। यहां तक क्लियर है? अब ये 6 बॉन्ड बनेंगे, 6 में से 3 क्या बनेंगे, सिग्मा, और 3 क्या बनेंगे, पाई। बेटा ये रहे शुरुआत से सिग्मा गिने जाते हैं, तो ये शुरुआत से 3 सिग्मा बन गए, तो ये 3 सिग्मा बन गए। और इसे अभी हम पढ़ेंगे कि इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, 1s और 2p वाले हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये 3 पाई बॉन्ड बने, और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल है कि ये पाई बॉन्ड किस किस ओवरलैप से बने। तो सल्फर का ये ऑर्बिटल आपको जो दिख रहा है वो पी है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हमेशा पी में ही अनपेयर होते हैं क्योंकि उसमें डी होता ही नहीं है, और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल ये ओवरलैप होगा। तो एक पाई बॉन्ड सल्फर में जो, या SO3 में जो बन रहा है वो सल्फर का भी पी है, ऑक्सीजन का भी पी है, और क्योंकि पाई बॉन्ड बना है तो पी पाई कहते हैं। और अब बचे हुए सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी में है, और ऑक्सीजन में तो पी ही है, ऑक्सीजन में और कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन में सिर्फ पी आएगा, तो सल्फर का डी पाई है और ऑक्सीजन का पी पाई। तो 2 बॉन्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड में किससे बन रहे हैं, डी पाई पी पाई ओवरलैप से, और 1 बॉन्ड बन रहा है पी पाई, मतलब टोटल 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से 1 पी पाई है, बाकी 2 पी पाई डी पाई। बोलो क्लियर है? पी और डी का कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा बेटा, अगर अभी भी नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं है,
स्लो एंड ग्रेजुअल इसको हम बढ़ाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। और ये जब मैं खुद कह रहा हूँ आपसे चैलेंज के साथ क्वेश्चन है, बाहर ले जाओ, 99% लोग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली लेवल ऊपर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बोलो समझ में आया। चलिए इसी को मैं अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट हो। हेडिंग डालो कॉपी में बच्चों, आज की हेडिंग मैं जानबूझ के इससे नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अभी मुझे पता चल रहा है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, अभी बाउंसर गया है, तो जब तक यहां तक बॉल नहीं आएगी तब तक मैं लिखाऊंगा नहीं इसे। ठीक है, हेडिंग लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग का नाम लिखिए HYBRID हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? अब यहां से समझो, यहां से आज का टॉपिक मान के चलिएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बेटा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया वो टॉपिक, तो अभी मैंने उसे लिखाया भी नहीं है, इस क्लास मतलब इस टॉपिक के बाद लिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक बच्चों, ये वर्ड आपने लाइफ में कई बार सुना है, और डेली लाइफ से रिलेट करो हाइब्रिड, क्या वर्ड कभी आपने लाइफ में सुना है हाइब्रिड? नहीं सुना, सुना है ना? तो व्हाट इज हाइब्रिड? बायो का वर्ड है, क्या होता है बेटा हाइब्रिड? व्हाट इज हाइब्रिड? नहीं सुना, बस खाली सुना है, कभी सोचा ही नहीं क्या होता होगा। ठीक है, आप बोलो बेटा नेक्स्ट। तो थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, थोड़ा आपको भी जवाब देने पड़ेंगे, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। बोल बेटा, ठीक है, और कुछ? बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बेसिकली प्योर बायो में घुस गए हैं, इनके पास बायोलॉजी है, इसका मतलब इन दोनों की डेफिनेशन साफ, स्पीशीज, ये पूरे बायो के वर्ड आ गए हैं ना। बायो है तुम्हारे पास? देखा, मुझे लग रहा था जेनेटिक्स पढ़े हुए बैठे हुए। बेटा हाइब्रिड मतलब क्या है? एक जनरल सोच के बताओ, एक इन इन डेली लाइफ साइंस हाइब्रिड क्या है? बोल बेटा, एक मिनट, आ जाओ इधर। हाँ जी, हाँ स्पीशीज बोले, वो जो बोला वो सही लग रहा है हमें। अच्छा वही होता है, ये बायो में उतना ही पड़ा, आप बोलो। चलिए ठीक है, ये लोग जो कह रहे हैं इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर था मतलब क्या है बेटा। अच्छा, इन्हीं से अगर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो पता चल जाए इन्हें कितना डीप आता है। हाइब्रिड्स आर प्योर और इम्प्योर? हाइब्रिड क्या है? वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है इम्प्योरिटी लाना, मिक्सचर लाना, दो चीजों में मिलावट कर देना, वो हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? मतलब क्या है ध्यान से देखना, ये एक सीड आपने बनाया, या ये एक सीड कहीं मिला जो कि बहुत टॉल प्लांट का है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉल प्लांट है, बट द प्रॉब्लम इज इसमें फ्रूट नहीं आते। ठीक है, ये टॉल है लेकिन फ्रूट नहीं है। और एक आपको सीड ऐसा मिला जो कि एक डार्क प्लांट है, बोना है, लेकिन फ्रूट से लदा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्रूट कैपेसिटी बहुत है लेकिन हाइट प्रॉब्लम है। अब हमने क्या किया, एक नया सीड तैयार किया। ठीक है, एक नया सीड तैयार किया, इसकी हमने ले ली फ्रूट कैपेसिटी और इसकी हमने ले ली हाइट। बोलो क्लियर है, समझ में आया? हमने इसकी क्या ली? फ्रूट कैपेसिटी, और इसकी क्या ले ली? हाइट ले ली। तो अब ये जो बना ये क्या है? हाइब्रिड। समझ में आया? क्लियर है, लेकिन ये गलत है। काहे गलत है? इसकी इसकी फ्रूट कैपेसिटी, इसकी फ्रूट कैपेसिटी, जिनमें फ्रूट है ही नहीं, नहीं पत्थर अपने सिर पे फोड़ लो वैसे ही फोड़ना है तो, और इसकी हाइट जिसकी हाइट ही नहीं है। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन कभी भी अनकंफर्टेबल या रिवर्स के लिए नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो जो नई स्पीशीज आएगी वो सिर्फ बेटरमेंट के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि जितनी कमियां है उन्हें मिला दिया, नहीं, मतलब बदमाशी तैयार करना तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे ये कमियां नहीं। यहाँ क्या होगा इसे समझो, यहाँ क्या होगा? यहाँ हाइट होगी, यहाँ क्या होगा? फ्रूट कैपेसिटी। ये हाइब्रिड आएगा, और ये हाइब्रिड इन दोनों से बेहतर होगा। क्यों होगा दोनों से बेहतर? क्योंकि दोनों की क्वालिटीज, जो मेन क्वालिटीज है वो इसमें। समझ में आया? तो व्हाट इज बेसिक सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली मिक्सिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग होता है। ठीक, किसकी मिक्सिंग है? जहां पे भी जो भी अच्छाई है उसे उठा के मिला दो,
अब जो नई चीज बनी वो पहले से दोनों से अच्छी होगी. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज बेटर देन प्योर ऑर्बिटल. हाइब्रिड इम्प्योर होते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किससे बेहतर होंगे? प्योर से. अगर कोई एक खाली पी ऑर्बिटल है कहीं, बेटा इसे हम ऐसे दिखाएंगे पी ऑर्बिटल को, करीब तकरीब दोनों बराबर होंगे, ठीक है. और जब हम इसे हाइब्रिड दिखाना होगा तो हम इसे ऐसे दिखाएंगे. जब हम इसको हाइब्रिड दिखाएंगे बेटा तो हम इसे ऐसा दिखाएंगे. तो अगली बार से अगर कभी आपको बुक में डायग्राम ऐसा दिखे, एक लोब बहुत छोटा है दूसरा बहुत बड़ा है, इन दोनों के साइज में अंतर है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का साइंस में तरीका है. और ये नॉर्मल या प्योर ऑर्बिटल दिखाने का तरीका है. अगर दोनों लोब बराबर दिखेंगे तो ये प्योर ऑर्बिटल होगा, एक छोटा और एक बड़ा दिखेगा तो क्या होगा? हाइब्रिड. अब केमिस्ट्री में हाइब्रिड की जरूरत कहां पड़ी? भाई वो तो प्लांट की बात थी ना, वो तो डेली लाइफ हो गई. केमिस्ट्री में हाइब्रिड कहां जरूरत होते हैं बच्चों? ये ऑर्बिटल है एस, मान लो नाइट्रोजन है या किसी में भी, ये एस ऑर्बिटल है. और वट एवर द कॉन्फिगुरेशन 1s2, 2s2, 2p3, मैंने जानबूझ के नाइट्रोजन लिखा है. अभी नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है, ये रहा 2s, ये रहा 2p. बेटा ये रहा 2s, ये रहा 2p. आपको कुछ बच्चों को तो ये मालूम है फिलहाल कि p के तीन ऑर्बिटल होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? px, py और pz. ये तो मालूम ही ना, 360 का एक सर्किल होता है, ये तीन ऑर्बिटल है. तो बेटा px और py में कितने का एंगल हो गया? 360 का सर्किल है, ये तीन ऑर्बिटल है, तो px और py में कितने का एंगल हो गया? 110, 180, 90. बेटा ये x, y और z क्या हैं? एक्सेस हैं. तो एक एक्सेस इधर है, एक एक्सेस इधर है, एक ऊपर है, तो 90 का एंगल हुआ. वो तो खाली कंफ्यूज करने के लिए 360 बोला था और आप कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन पता नहीं फ्यूज कैसे हो गए, पता नहीं कौन सा आंसर दिया आपने. 180 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, तीनों अलग अलग एक्सेस हैं तो 90 पे आएंगे. फिलहाल बेटा ये हमने कल भी पढ़ा है और फिर देख रहे हैं, ये तीन एक्सेस हैं अलग, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है और एक जेड, ठीक है. अब जरा ये वाला पॉइंट आपको अगर समझ में आ जाए तो बेहतर है. बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ एंगल कितना है पीएक्स पीवाई पीजेड में? कितना है? 90 है, 90 है ना. हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया और अमोनिया बन गया. यहाँ हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया नाइट्रोजन से और क्या बन गया? अमोनिया. ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा इसका ये वाला लोन पेयर, और ये रहे हाइड्रोजन से, इन्होंने ओवरलैप करके अमोनिया बना दिया, ठीक है, अमोनिया बन गया. अब एक्सपेरिमेंट किया गया और अमोनिया में ये वाला एंगल देखा गया कितना आया. जब एक्सपेरिमेंटल ये वाला एंगल मेजर किया तो नियरली 107 डिग्री प्रैक्टिकली एंगल आया. एंगल कितना आ रहा है? 107 डिग्री. अब जरा दिमाग ले जाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि बेटा इनके बीच में एंगल था कितना? 90, और बाद में एंगल 107 हो गया. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि अगर सिर्फ यहीं पे बॉन्ड बनते तो गारंटेड 90 90 90 पे बनते. ये नाइट्रोजन होती, एक्स एक्सिस में एक बॉन्ड बनता, एक वाई में, एक जेड में, सब 90 पे बनने चाहिए, लेकिन 90 में बॉन्ड नहीं. समझ में आया? तो साइंटिस्ट को ये लगा कि हाँ यहाँ कुछ और ऐसा हुआ है, और अभी और प्रूफ करके दिखाएंगे क्या हुआ है. लेकिन हुआ क्या है वो ये जो आपको एनर्जी गैप दिख रहा है ना, ये एनर्जी गैप किस किस के बीच का? ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है. ध्यान से देखो, पी के सारे एक साथ बनाए हैं लेकिन एस से कुछ ना कुछ गैप रखा है. और ये वाली कंडीशन हो जाए, कौन सी कंडीशन हो जाए? कि इन सब अपनी एनर्जी मिलाएं और बराबरी से बांट लें और जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही हो जाए. तो ये वाला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना का नाम क्या रखा है बेटा? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसमें क्या करते हैं, इनका नाम रखा है केमिस्ट्री में एटम के ऑर्बिटल या बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा गैप हो, बहुत बड़ा गैप भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप हो, वो अपनी एनर्जी मिला के बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इस फिनोमिना का क्या नाम रखा गया है? हाइब्रिडाइजेशन. ऐसा नेचर में होता होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, खाली कई सारे एग्जाम्पल से देखने में लगता है कि ये है, इसीलिए इसे हाइपोथेटिकल कहते हैं. क्लियर? ये धीरे धीरे आपकी पढ़ाई आगे चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा
कि कई जगह हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, मतलब यहीं पे अगर मैं ASH3 लिख दूंगा तो नहीं होगी, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि इसे कहते हैं ड्रैगोज रूल। ठीक है, इस रूल का नाम है जहां हाइब्रिडाइजेशन लगना चाहिए होती हो लेकिन होती ना हो, तो केमिस्ट्री वालों ने उसके लिए भी एक रूल दे दिया। वो अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कि ये कब अप्लाई होता है, हर जगह नहीं लगता, हर जगह नहीं लगता, हर आदमी को पता भी नहीं होता, ये मेरी लिखित कंफर्मेशनल गारंटी है। ठीक, अभी आप बाहर निकलना किसी भी कंपटीशन करने वाले, मतलब अच्छा कोई पढ़ रहा तो बात अलग है, फिर वही है 99% से कहना ये केमिस्ट्री में ड्रैगो रूल क्या है। 99% ड्रैगो रूल के बारे में सिर्फ एक बात जानते हैं, जहां हाइब्रिडाइजेशन दिखती है लेकिन होती नहीं उसे ड्रैगो रूल कहते हैं, इतना तो जानते हैं। लेकिन उनसे पूछ लो ना कि एक्सप्लेन करो कि क्या हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो रूल में इससे इस कंपाउंड में होगी, इसमें होगी, क्या है, मतलब कब ड्रैगो रूल लगाना है कब नहीं लगाना। 99% ड्रैगो रूल लगाना नहीं जानते, अगर ये भी जानते हैं ये कोई रूल है तो उनको ये नहीं पता होता इसको अप्लाई कब करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है बच्चों में, उन्हें ये लगता है ये कंपटीशन का टॉपिक है, ये कंपटीशन में आएगा। अरे बेटा क्या ये चैप्टर 12th तक दोबारा कभी पढ़ाया जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग क्या आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगी, या जो भी आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ये कभी भी अप टू 12th के एंड तक दोबारा ये चैप्टर नहीं आएंगे? और अगर ये दोबारा चैप्टर नहीं आएंगे तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो यहीं पे खत्म करने हैं आपको। कुछ कंसेप्ट मैं मानता हूं अगले चैप्टर के हैं, जैसे मैंने अभी कोई ऑर्गेनिक का तगड़ा नाम ले दिया तो वो भाई जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तभी आएगी, तो वो तो मैं कह सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स है, वो चैप्टर पढ़ोगे तभी आएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो यहीं पढ़नी है। तो जितनी हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ते हैं उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन अब वो पॉइंट है कि आप इस समय अगर दिमाग में बैठा के पढ़े हो, बैठ गए हो कि भैया ये तो कंपटीशन वाले जाने, तो नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप आंख नाक कान खोल के बैठे हैं तो गारंटी दे रहा हूं ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं यही हाइब्रिडाइजेशन एक्सट्रीम लेवल है। देखिए क्या है, ये रहा एनर्जी गैप, किसके बीच का एनर्जी गैप, ये एस ऑर्बिटल्स थे, ये पी ऑर्बिटल्स थे, इनके बीच में एनर्जी गैप। ऑब्वियसली अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है कि डी भी हो सकता है, तो यहां पे भी थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिला लें, जहां जहां हमें लगेगा ये अपनी एनर्जी मिला लेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि कौन एनर्जी मिलाएगा कौन नहीं मिलाएगा? सबसे सिंपल तरीका या बेस्ट तरीका, बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होते हैं, मतलब किसी एटम के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये तुम्हें गिनना आता है, सिग्मा बॉन्ड गिनना आता है, और अगर तुम्हें पता लग जाए उसके साथ उसके पास लोन पेयर कितने हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब अगर इन दोनों का सम कभी बच्चे 2 आया, बेटा अगर इसका सम 2 आया तो यहां दो ऑर्बिटल्स, अगर सम 2 आया तो दो ऑर्बिटल्स क्या हो गए हैं, हाइब्रिड। मतलब क्या है, दो ने अपनी एनर्जी मिलाई है। बेटा किन दो ने एनर्जी मिलाई है, यहां लेफ्ट से शुरू हो जाओ, एक ये तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp। ठीक है, अगर इन दोनों का सम कभी बाई चांस 3 आया तो 3 ऑर्बिटल ने एनर्जी मिलाई है, यहीं से चलना है, एक ये और एक ये, मतलब एक s होगा और 2 पी होंगे। क्लियर, अगर कभी आपको लगता है 4 सिग्मा बॉन्ड है या इन दोनों का सम 4 आ रहा है, एक एस बोलना है 3 पी sp3। ठीक है, और यही आगे बढ़ेगा सिलसिला, अगर सम 5 आ गया sp3d sp3 पी में तो 3 ही है, अब यहां जाना पड़ेगा और ये तो डी है, और इसलिए अब आंसर होगा sp3d। समझ में आया, और ऐसे ही आगे भी होता है sp3d2, और यहां तक हमारे लेवल में है sp3d3 तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको एकदम बेसिक इस पे ही फोकस रखिएगा और किसी पे भी नहीं, इस पे। आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं लुईस वाले। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये दिख रहा है या पता है कि ये रहा मीथेन, इतना तो यार 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, ये रहा मीथेन,
मीथेन में क्या आपको दिख रहा है कार्बन से कितने बॉन्ड है, कितने चार, चार। बेटा सिग्मा कितने, चारों सिग्मा है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, चार, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या नाम हो गया, sp3, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। आया समझ में क्या कह रहे हैं, आराम से देखना। अब देखो कुछ बच्चे ना जल्दबाजी करते हैं, ये मत करना, कई बच्चे कूद जाते हैं आगे एकदम, बोले अरे इसका आंसर हम बताऊं, ये ना करो, ठीक है। तो ये बेटा इथीन बनाया है, आराम से जल्दबाजी की और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ अब देखा, एक मैंने कहा ना एक दो तो कूदेगा, कूद ले, बता बेटा, बता कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, बता जल्दी, हट बोलने दो से, बोलो sp3d, डी एक ही है, दो तीन है, अच्छा आप बोलो sp3d या d2d3। sp3d, मैंने कहा था जो जो जल्दी करेगा वो कुएं में गिरेगा, जो देर करे, आप सही हो, एक बच्चे का सही है बाकी गलत। अरे बच्चा हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एटम के होते हैं, या तो इस एटम के निकाल या इस एटम के निकाल, पूरे खानदान के मत निकाल, ये पूरा खानदान के देख लिए, पांच सिग्मा, एक दो तीन चार पांच सिग्मा, पांच है। लेकिन मैंने क्या कहा, जल्दबाजी नहीं करना, आप हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम की निकालते हैं, ये एक ही एटम का तो बना हुआ है, ये जितना कार्यक्रम बना है ये एक एटम के लिए तो बना है, ये कार्यक्रम दो एटम का तो है नहीं, ये एक एटम का है, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो इसकी निकालोगे या इसकी निकालोगे या दोनों की अलग अलग। तो भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कितने सिग्मा है, तीन सिग्मा है, एक दो तीन, और तीन सिग्मा है तो ये sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कितने सिग्मा है, तीन ही सिग्मा है, एक दो तीन, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन एटम से रिफाइंड है, एटम से, पूरे कंपाउंड की नहीं होती। पूरे कंपाउंड में कभी हाइब्रिडाइजेशन मत निकालना, जब भी कोई टीचर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो वो किसी एक एटम की पूछेगा, और अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो आप उससे कह सकते हैं किसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, ठीक है। लेकिन 99% केसेस में इट इज अंडरस्टूड कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, 99% केसेस में। वाटर में हाइब्रिडाइजेशन अब थोड़ा सा टफ कर दिया है मैंने, लिटिल बिट टफ किया है, वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा मैंने टफ किया है, बोल बेटा, थोड़ा टफ किया तो थोड़ा दिमाग भी लगा लो, कुछ तो टफ किया ही है। हाँ क्या सोच पे, हाँ सोच के बताएं, बिल्कुल रिसर्च करिए पेपर। हाँ बेटा थोड़ा सा सोचना है, हाँ बेटा ये बोलिए, sp3, वेरी गुड, कैसे सर, फोर हुआ, क्या फोर हुआ, कैसे सर, एक तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन भी होगा सर, बाकी जो उससे बचे भी होंगे सर, दो ये सोचा मैंने। चलिए ठीक है आंसर, बेटा क्या नाम है आपका सर, सात्विक, तन्मय तो यहाँ बेटा सर, सात्विक, वेरी गुड बेटा सात्विक, वेरी नाइस, इनका आंसर सही था और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही था, ऑनलाइन से इन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कि यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही नोटिस किया कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दो चीजें देखी जाती है, खाली सिग्मा बॉन्ड नहीं, तुम खाली सिग्मा बॉन्ड देख के आंसर कर रहे हो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। बेटा मैं फिर बना के दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप थोड़ा बहुत लुईस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इस ऑक्सीजन से सिग्मा कितने हैं, दो है, और इस ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर, पेयर ये पूरा एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, तो दो सिग्मा है, दो लोन पेयर है, इसलिए ये वाला एडिशन 4 आएगा, जब भी ये एडिशन 4 आएगा तो आंसर क्या बोला जाएगा, sp3, एक s और तीन p। तो अब ध्यान क्या रखना है अगली बार के लिए, लोन पेयर भी आपको पता हो तो बेहतर रहेगा, तो आप जल्दी कर लेंगे। तो अब हेडिंग लिखें बेटा, नोट तो मैं बनवाऊंगा, आप चिंता ना सर। हाँ बेटा बोलो सर, कल आपने जो ट्रिक बताई थी वो H2O वाली, उससे नहीं हो सकता? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं चाह रहा कि किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा वैसे सिंपल ट्रिक बता के फंसा दूं, पहले मैं चाह रहा हूँ कि इन्हें पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। ये इनका कहना सही है, इसको हम
बाकी ट्रिक्स भी हैं। एक आप लोगों को शायद मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई थी, 2 से डिवाइड करना 8 से 18 से, पढ़ाया था वो। यूजुअली बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेथड, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इतनी सबकी अच्छी होती है, मतलब कई तो मैथमेटिक्स मानते ही इतने को है, 2 + 2 = 4, बोले मैथ आ गई हमें, है ना। तो एक तरीका है, चलो मैं जो ये कह रहे हैं बात तो इन लोगों की भी सही है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पहले बता देता हूँ जो क्रॉस चेक करने के लिए है, जिससे करने में आपको भी काफी मजा आएगा, ठीक है। देखिए क्या है ये तरीका, भले पहली बार लिखूंगा तो आपको लिखते समय लगेगा अबे इतना कौन करेगा, लेकिन ये गारंटी है क्रॉस चेक आप हमेशा इसी मेथड से करिएगा। एक शॉर्टकट है, देख लो बेटा क्या है, एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम एंड चार्ज, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर लो, ठीक है। ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम एंड चार्ज, इफ एडिशन इज बिटवीन 2 to 8 डिवाइड बाय 2। आपने जो ऐड किया अगर वो 2 और 8 के बीच में आ गया तो 2 से डिवाइड कर लेना, बिटवीन 9 एंड अबव कर लेते हैं डिवाइड बाय 8। अगर एडिशन आपका 9 या 9 से ज्यादा आएगा तो आप उसे काय से डिवाइड कर देना, 8, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस कब, अगर कुछ बच जाए, कुछ बचने को शायद रिमेन कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं, इफ रिमाइंडर कम रिपीट, दोबारा से 2 और 8 के बीच में आएगा 2 से डिवाइड करना। यहां तक क्लियर है? एड ऑल द क्वेश्चन या एड ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं उनको ऐड करिए और वो एडिशन आपका यही आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, जिन जिन की मैथमेटिक्स थोड़ी भी सही है उन्हें ये मेथड अच्छा लगता है, ठीक है। कैसे, एक सेकेंड, एड ऑल द क्वेश्चन, द एडिशन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हाइब्रिडाइजेशन इज दिस वन। अभी आप देखिए बाद में, इसे चाहे लिखो भी मत, ये रिवाइज करने के लिए एक मेथड है या क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टीचर इन मेथड्स को काट देता है, इसलिए ये मैं कहता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। बेटा इस मेथड में क्या कहा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है सबके? नहीं मालूम तो एक बार देख लो, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में है, 3 बोरॉन और एल्यूमिनियम में, 4 कार्बन और सिलिकॉन में, 5 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, 6 ऑक्सीजन सल्फर, 7 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और 8 फिनोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख लीजिए, और मैं बोल देता हूं जो आपके स्क्रीन पे नहीं आए बेटा, मैं बोल देता हूं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, 2 बेरिलियम में है, 3 बोरॉन और एल्यूमिनियम में है, 4 कार्बन एंड सिलिकॉन में है, कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है। वही चीज है, लेकिन बार बार मैं पीरियोडिक टेबल रिवाइज थोड़ी कराऊंगा, इसलिए बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, 4 कार्बन और सिलिकॉन में है, 5 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, 6 ऑक्सीजन सल्फर, 7 हेलोजन और 8 ज़ेनॉन, ठीक है बेटा। बोलो कोई डाउट? अब देखिए जिसकी मैथमेटिक्स जितनी अच्छी है वो उतनी तेजी से करेगा और आंसर भी बता देगा, ये मेरी गारंटी है, और वो अगली बार से इसी मेथड का अधिकतर प्रयोग करेगा, ठीक है। पूछो, चलिए पहले एक दो में समझा देता हूं, ठीक है। पहला, जैसे ये लिखा है बेटा मैंने N3 नेगेटिव, मैं आपको पहला समझा दे रहा हूं, अगली बार से आप खुद करिएगा। बेटा एन में कितने लेंगे, एन में कितने लेंगे, 5। एन कितनी बार है, 3 बारी, 5 × 3 कितना हुआ, 15, -1 16, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आना है, प्लस मतलब जाना है, तो जरा चार्ज का ध्यान रखना। इसीलिए तो मैंने कहा अब यार 11वें स्टैंडर्ड में आपसे ये थोड़ी पूछूंगा 15 में एक गया कितना बचा, वो तो कॉमन सेंस है। तो यहां माइनस का मतलब ये गलती ना हो, इसलिए आपसे कराई गलती। अब इसे काय से डिवाइड करना है, याद आ गया ना, 8 से, 8 × 2 × 16 खत्म, ये आंसर है SP, जब 2 आएगा तो SP। क्लियर हुआ कैसे करना है? अच्छा, और किसी भी तरीके से करोगे तो भारी पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्यों?
स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें रेजोनेंस होती है, बड़ा मुश्किल से स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो आपसे स्ट्रक्चर सिग्मा पाई गिनना भारी काम है। तो N3 नेगेटिव का आंसर इसी मेथड से बेहतर निकलेगा। ठीक है, चलिए पहले और सरल करते हैं, एक और समझा देता हूं। I3 नेगेटिव करना है। बच्चे आयोडीन में कितने लोग हैं? 7। 3 बारी आयोडीन है, 21, 22, एक बाहर से भी आया 22. है 22 हो गए। 22 को काई से डिवाइड करें, 8, 2 टाइम 16। और ध्यान रखना अगली बार मैं ये वर्ड हवा में ही खाली बोल दूंगा, 8 × 16 = 2, मतलब वो याद रखना। कितने बचे? 6। कितने हुए? 2, 3 टाइम 6। इन्हें क्वेश्चन कहते हैं, इन्हें जोड़ना है। इनका जोड़ क्या आ रहा है? 5 का मतलब क्या है? याद आया? 5 का मतलब क्या है? sp3d। कोई दिक्कत? तरीका क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मैं इस मेथड से आपको पहले सरल वाले 2, 3, 4 बोलता हूं। आप आई होप तो सब एक एक सेकंड में कर लेना आप, फिर भी बेटा ये मैंने 4 लिखे हैं, क्या चारों का आंसर आपको क्लियर है? और फिर इससे लॉजिक क्या बना ये भी बताना होगा। अब मैं रुक गया हूं, आप अपने आप करिए, दो मैंने समझाए बेटा, आप खुद करो। अरे बेटा 6 बज गया। हाँ बेटा, ये जिन्होंने टेस्ट दिया था उनकी टेस्ट कॉपीज होंगी मैम, इनके वो बन गए लिस्ट वहां टांग दी। इसमें कुछ बच्चे अनामिका पटेल हैं, अनामिका पटेल आपके मार्क्स हैं, बाहर लिस्ट लगी है देख लेना, इसमें भी लिखे हैं। अशरा आपके भी है, इसमें लिखे हैं। ठीक है, तन्मय, ये तो भाई तन्मय थोड़ा सा और मेहनत करो। गुंजन, गुंजन फ्रेंड है किसी की, कोई तो जानता हो दे देना। और ये कोई एब्सेंट है जो भी है ना, ये आया नहीं है, चलो लौट गया। बच्चों क्या आपने ये सारे कर लिए क्वेश्चन? नहीं किए? वेरी गुड, आंसर बताओ। बच्चों ये देखो, कार्बन में 4, 4 हाइड्रोजन मिला के 8, ऐसे यहाँ 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 2 7 1 8। अच्छा 8 को डिवाइड करने का तरीका तो एक ही जैसा होगा, ऐसा तो नहीं है 8 को या किसी और तरीके से डिवाइड करेंगे या किसी, सब में 2 से ही करेंगे। 2, 4 × 8, 4 का मतलब आंसर क्या आ गया, लॉजिक क्या आया अगली बार के लिए? अगर कभी भी केमिस्ट्री में आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिली जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो गारंटी से उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, सेम। अरे हर बारी sp3 थोड़ी होगी, ये मैंने कहा इलेक्ट्रॉन सेम हो तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, ये किसने कहा कि sp3 ही होगी? चलो भैया क्लियर है, चलिए आज इतना ही रखिए, क्योंकि चलिए नोट करिए बेटा। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल तो रही, ये आपको मिल जाएगी कल सुबह मॉर्निंग में, मैम इसको ग्रुप में अपलोड करेंगी करेंगी सर, हो गया। चलो बेटा अब मैं, हाँ जी अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, 12th के बच्चे आ गए।